सवारते हैं आपका बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ आप लग रहे हैं सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा सर क्योंकि शिव शक्ति यू नो शिव भगवान के कितने बड़े भक्त हम सभी हैं ये बताइए कि ऐसे शो का पार्ट होकर लाइक हाउ डज इट फील बहुत बड़ा शो है तो उस हिसाब से बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि बड़े शो से जुड़ने का यू नो एक अलग ही फील होता है एंड uh, कुछ नया करने की कोशिश की है हमने uh, तो ये है कि जब कॉल मेरे को आया कि यू नो ऐसी एक बड़ी शो शो का की स्थापना होने वाली है कि वुड यू बी इंटरेस्टेड आई सर कोर्स इंटरेस्टेड होऊंगा लेकिन और क्या नया कर सकते हैं हम यू नो हमने इतनी बार देखा है यू नो शिव जी के बारे में अलग अलग सीरियल्स आ चुके हैं तो मैं क्या नयापन लाऊंगा तो हमने वही सोचा कि जब ब्रीफ आ रहा था कि हम यही है यू नो लुक ऐसे ही है कैलेंडर आर्ट है हमको पता है शिवजी कैसे दिखते हैं कहाँ बैठने वाले हैं क्या करने वाले तो आप क्या नया लाओगे यू नो ये क्वेश्चन होता है बोलो ठीक है लेट्स थिंक फिल्म अगर फिल्म में होता अगर मैं लाजा द लाइफ करता तो कैसे करता अगर वो टी वी पर लाते हैं फिल्म को टी वी पर लाते तो कैसे होगा यू नो हमने अपना ही थिंकिंग चेंज किया और ये क्लासिकपन जो होता है जो सबकी बिलीफ होती है कि ऐसा ही दिखना चाहिए वो हमने मेनटेन किया है यू नो वो ज़्यादा हम नहीं चेंज कर सकते बिकॉज अदरवाइज पब्लिक रिजेक्ट कर देती है यू नो शन कर देती है तो वो करते करते हम क्या कर सकते हैं लुक थोड़ा चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट चेंज कर सकते हैं येट सेंसिबिलिटी रखना है कि हाँ कैलेंडर आर्ट है कि हम क्या कर सकते हैं तो लार्जर देन लाइफ अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक सिंपल सोच होती है कि अगर हमने शिवजी को देखा है हमने पता है वो बाहर ही बैठते हैं यू नो माउंटेन के बाहर बैठते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं यू नो एंड स्नो है और आउटसाइड वहाँ पत्थर पर बैठे हुए मैं बोला अगर उसको चेंज करके अगर मैं एक केव के अंदर लाता हूँ एक माउंटेन है स्नो माउंटेन है उसके अंदर लाता हूँ तो क्या होगा तो बोला ये कैसे होगा तो बोला लेट्स सी इट तो अगर बड़े बड़े पिलर्स कर दिया तो यही हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं पैदा होता तब और अगर मेरे को बोलते हैं काव करने के लिए मेरे को तोड़ने के लिए बोलते तो कैसे एक अंदर केव के अंदर मैं बनाता तो उस हिसाब से बड़े बड़े पिलर्स दिखाएं थोड़े ऊपर काम किए हुए हैं लेकिन फ्रोज़न इन टाइम यू नो बर्फ़ एक बहुत ही अनयूजल मटेरियल होता है जो ग्लो भी कर सकता है क्रिस्टलाइज भी होता है यू नो तो रात को ग्लो कैसे करेगा दिन को ग्लो कैसे करेगा और अंदर के पिलर्स के अंदर जो जो जम जाते हैं बर्फ़ वो कैसे ग्लो हो गए तो उस हिसाब से मैंने बड़े बड़े पिलर्स बना दिए यू नो बड़ा सा पैसेज जहाँ से आप चलते 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 आओगे फिर एक लेवल

कि ये हो सकता है हाँ? क्यों नहीं हो सकता Because पहले भी किसी ने किया है वो कैलेंडर आर्ट साथ ही है ना, किसी ये भी जाना चाहिए like said, कि makers, uh, you know, बोलते रहते। जब आपको ये ये बोलते हैं कि, you know, कुछ अलग चाहिए कुछ नया चाहिए उस टाइम पे यू नो आपकी प्रोसेस क्या होती है कैसे आप सोचते हैं नई चीजों के लिए वो सिर्फ वो अगर मेकरस बोल ही देते हैं ना तो मेरे मेरी घंटी बन जाती है अच्छा हाँ ठीक है ये तो करना ही है इसलिए मेरे को बुलाया जाता है कि कुछ अलग करें अगर नॉर्मल होगा तो फिर मैं वैसे भी नहीं करूँगा और अलग करना है तो ही मेरी यू you नो know, मेरे को अप्रोच किया जाता है एंड ये था कि ओके एवरीबडी इज़ ओपन ओपन द माइंड कि कुछ ना अलग करना है तो मैं जुड़ जाता हूँ उनके साथ अलग करने के लिए एंड ये है कि बिकॉज मैं फिल्म मेकर हूँ तो फिल्म की तरह सोचता हूँ तो अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं मेरे डायरेक्टर को मेरे कैमरामैन को मेरे एक्टर को एक ऐसा जगह दे सकता हूँ क्या जो अलग है जो उनको बेनिफिट करेगा यू नो नॉर्मल है तो नॉर्मल आप शूट करोगे अगर मैं दे रहा हूँ आपको इतने बड़े पिलर्स तो आप यूज़ करोगे पिलर्स से ऊपर ट्रैक करोगे नीचे जाओगे पैसेज में जाओगे अगर मैं बताया हूँ ऊपर बैठे हैं तो उसी के वे से लाइट करें तो मैं हेल्प करता हूँ उनको सोचने के लिए कि अगर मैं डायरेक्ट करता तो कैसे करता अगर मैं एक्ट करता हूँ तो कैसे एक्ट करता कंफर्टेबल है देख रहा हूँ कैसे लग रहा हूँ you know? तो अगर मैं लाइट करता तो कैसे करता अंदर ग्लो हो रहा है तो उनको करना पड़ेगा ग्लो तो वो एक सेट एक मीडियम बन जाता है उनको हेल्प करने के लिए तो नयापन like okay. uh, सबसे नयापन नया द डिफरेंस आई गेट ऑन टू द द्लैटर लाइक दिस सबसे ये भी सवाल आपसे रहे क्योंकि सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा आपको इस सेट का इस जो भी चीजें आपने इसमें बनाई है सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा देखो असुर लोग है तो हमने लावा बना दिया है अंडरग्राउंड इंद्र लोग है तो पूरा स्काई में है तो उसको वाइट एंड गोल्ड फ्लेवर दे दिया है ठीक है आ, दक्ष का है फैंटास्टिक ऑर्नेट पैलेस वो ठीक है जंगल नेवा सीन में फो अलग स्टाइल का है। लेकिन हाँ बर्फ़ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू ओके सेट वाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू बिकॉज वो फ़ेक लगता है उसको हम रियल कैसे करेंगे बी में जाके रियल तो हो जाएगा बाद में लेकिन वो बनाते वक्त फेक लगता है आप फिल्म के लिए शूट करोगे एक दिन दो दिन या पाँच दिन तो वो ठीक है सेट लग सकता है ये लाइफ लॉन्ग रहना पड़ता है मेरे लिए सेट तो बहुत डिफ़िकल्ट बनाने के लिए यू नो क्या मटेरियल यूज़ करोगे जो रियल लगेगा स्नो का अलग अलग क्वालिटी होता है क्रिस्टल लुक होता है यू नो जो जम जाता है वो अलग दिखता है जो हाथ पर लगता है वो अलग होता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था बनाने के लिए एंड हमने बहुत ट्राई किया यू नो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स रंगोली डाले क्या डाले तो उस हिसाब से फाइनली जाके बना हुआ ये हाँ बिल्कुल आ, सर आपने जैसा कहा लाइक ले, हमने फिल्म कई फिल्मों में देखा आजकल की फिल्म में यू नो इतना वी एफ एक्स इतनी सारी चीज़ें आ गई लाइक शोज में भी अभी बहुत सारे यू नो चीज़ें आ जाती है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लार्जर देन लाइफ है तो सर आपसे जाना चाहेंगे फिल्म मेकर लाइक इसकी शुरुआत कहाँ से होती है लाइक आप सोचना कहाँ से शुरू करते हैं जब आपको यू नो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो कहाँ से सोचना शुरू करते हैं कि लाइक विजन क्या होता है वो सारी चीज़ों का ये होता है कि डिज़ाइनिंग से ही सबसे स्टार्ट होती है एंड हमको ये भी सोचना पड़ता है कि अगर मैं इधर ग्रीन स्क्रीन रखता हूँ तो वी आएगा तो वो सब पहले से ही सोचते हैं हम प्री प्लान करके ही चलते हैं डिपेन पेपर पर टच होता है तो वैसे ही लगता है कि ठीक है ये स्किल बन गया अब बनेगा तो ये ये पार्ट में बनेगा ओके इसमें रियल क्या है इसमें फेक क्या है इसमें अगर मैं डेली शूट करूँगा तो क्रोमा कम करो यू नो आप पूरा कर नहीं पाएंगे लेकिन हाँ वी एफ इतना एडवांस हो गया है तो हमको फायदा होता ही है तो अगर मेरे को इतना स्केल बताना है और उसके ऊपर भी बताना है तो वो वी से हम एक्सटेंड करते हैं तो वो हेल्प होता है लेकिन हम पहले से ही डिसाइड करते हैं और फिर वी के साथ बैठते हैं कि ये एक लुक है ये आप एक्सटेंड करके दिखाओ तो इट वोज इन हैंड एंड हैंड थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू लास्टली एक्सपेक्टेशन oh, तो मेरे को अपने से भी है कि दिस शुड लुक गुड बट इट इज़ लुकिंग गुड एंड इट इज़ लार्जर दैन लाइफ प्लीज़ वॉच इट आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा हम वो प्रजेंट करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं तो प्लीज़ कीप वॉचिंग थैंक यू